हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड सेकंड में मैथ्स में यूनिट 13 द लॉन्गेस्ट स्टेप, यानी कि किस सबसे बड़ा स्टेप है वो। अंडरस्टैंड के लिए, जानकारी के लिए है, देखो ऐसे जो फिंगर्स होती है वो फिंगर नाप होता है, और ये इसको स्पैन यानी कि व्यत, जो व्यत बोल वो, और ये ऐसे नाप होता है वो आर्म, यानी कि जो हैंड बोलते हैं कितना नाप हैंड हो है वो, और ये फुट यानी कि फीट कितना फीट है वो, और ये स्टेप कहते हैं इसको, स्टेप करते हैं, और ये स्केल है, देखो स्केल का माप है, इसमें सेंटीमीटर का माप लिया है, देखो ये रहा मिलीमीटर अरे सेंटीमीटर। द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर, देखो जो किलोमीटर है वो बड़ा यूनिट, बड़ा नाप बोलते हैं, एंड द स्मॉलर यूनिट एंड स्मॉल नाप को सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स बनता है। इन शॉर्ट फॉर्म, इसके शॉर्ट नेम है सेंटीमीटर इज रिटन एज cm, सेंटीमीटर को cm बोलते लिखते हैं, एंड मीटर इज रिटन एज m, और मीटर को m, एंड किलोमीटर इज रिटन एज km, और किलोमीटर को km ऐसा लिखते हैं। अब देखते हैं वर्कबुक में पार्ट वन है, जो राइट द एप्रोक्सीमेट मेजरमेंट फॉर द फॉलोइंग थिंग्स, ये थिंग्स की है वो हमें इधर मेजरमेंट लिखना है। फर्स्ट, पहला, हाउ मैनी स्पेन्स इज द लेंथ ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल की लंबाई कितनी व्यत है, स्पेन्स यानी कि कितनी व्यत होती है, तो कितनी स्पेन्स होती है, तो 5 स्पेन्स। दूसरा, हाउ मैनी स्पेन्स इज द विड्थ ऑफ द विंडो, यानी कि विंडो की पहराई कितनी स्पेन्स होती है, तो कितनी लिखेंगे हम, तो वो लिखेंगे 7 स्पेन्स। तीसरा, हाउ मैनी फिंगर्स इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल, यानी कि पेंसिल की लेंथ यानी कि लंबाई कितनी फिंगर्स होती है, तो ये पेंसिल है तो उसकी कितनी, तो देखो ये 3 और ये 3, कितनी फिंगर्स है, 3 फिंगर्स, ये 1 2 और ये 3 फिंगर्स, तो थ्री फिंगर्स। फोर्थ, हाउ मैनी फिंगर्स इज द लेंथ ऑफ द पेन, अब पेन होती है उसकी कितनी फिंगर्स लेंथ होती है, तो वो भी 3 फिंगर्स लिखते हैं, 3 फिंगर्स। 5, हाउ मैनी आर्म्स इज द लेंथ ऑफ द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड की लंबाई कितने हैंड्स है, आर्म्स यानी कि कितने हाथ होती है ब्लैकबोर्ड की लंबाई, तो वो लिखेंगे 5 आर्म्स।
6. How many arms is the length of the bench? तो बेंच की लेंथ यानी कि लंबाई कितने आर्म्स होती है तो वो लिखेंगे 7 आर्म्स, 7 हैंड्स बेंच की लंबाई होगी। हाउ मैनी स्पेन्स इज द लेंथ ऑफ द स्कूल बैग? स्कूल बैग है उसकी लेंथ यानी कि लंबाई कितने स्पेन्स होगी, स्पेन्स यानी कि कितनी वेथ होगी, तो स्कूल की तो वो लिखेंगे 3 स्पेन्स, कितने 3 स्पेन्स होगी। हाउ मैनी फिंगर्स इज द लेंथ ऑफ द वाटर बैग? जो वाटर बैग है उसकी लंबाई कितनी फिंगर्स होगी तो वो कितनी होगी, तो आश्रय लिखेंगे हम वो 4 फिंगर्स, 4 फिंगर्स होगी। हाउ मैनी आर्म्स इज द लेंथ ऑफ द बेड? तो तुम्हारे बेड की हाउ मैनी आर्म्स इज द लेंथ ऑफ द बेड? तुम्हारा जो बेड होता है सोने का उसकी लंबाई कितने आर्म्स हैं कि कितने हाथ हो गए, तो वो 10 आर्म्स, 10 आर्म्स हो गए। हाउ मैनी फीट इज द लेंथ ऑफ द क्लासरूम? जो तुम्हारा क्लासरूम है उसकी लंबाई कितने फीट होगी, तो क्लासरूम में तो 20 फीट। हाउ मैनी फीट इज द लेंथ ऑफ द किचन? जो तुम्हारा किचन है उसकी लंबाई कितने फीट होगी, तो किचन की लंबाई 10 ले रखते, 10 फीट। हाउ मैनी स्टेप्स इज द लेंथ ऑफ द लॉबी आउटसाइड द क्लासरूम? जो क्लासरूम के बाहर लॉबी है उसकी लंबाई कितने स्टेप्स होगी, तो चलो कितने स्टेप होगी तो लिखते हैं 25 स्टेप्स। हाउ मैनी फिंगर्स इज द लेंथ ऑफ द फोरहेड? तो हाउ मैनी फिंगर्स, तो तुम्हारे फोरहेड यानी कि जो हेयर के आगे का भाग होता है उसका लेंथ यानी कि लंबाई कितनी फिंगर्स है वो कहा है, तो आपको नापना है कि तो 3 फिंगर्स होगी।